आज से एक महीने बाद सितंबर में लॉन्च होने वाली आईफोन 15 सीरीज में एप्पल 20 न्यू रियल चेंजेस करने वाला है, जो आज से पहले एप्पल ने कभी नहीं करे और इस बार बेस मॉडल भी प्रो वाली फील देंगे। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं 20 रियल चेंजेस को देखेंगे ओनली 9 मिनट्स के अंदर, जिनमें से कुछ तो दिल खुश करने वाले हैं और कुछ दिल तोड़ने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं एक शॉकिंग न्यूज से। एप्पल ने एलजी को जो डिस्प्ले बनाने को बोला था वो डिस्प्ले एप्पल के स्टैंडर्ड से मैच नहीं हो रही, और रिसेंटली न्यूज से पता लगा है कि ये डिमांड सैमसंग फुलफिल करने वाला है। और अगर ऐसा होता है तो आईफोन लॉन्च भले ही सितंबर में होगा, बट ये मिलेगा आपको नवंबर में। एप्पल अपने आईफोन का डिजाइन 3 जनरेशन के बाद चेंज करता है। आईफोन 10, 10s एंड 11 सेम थे और आईफोन 12, 13 एंड 14 सेम है, बट आईफोन 15 का डिजाइन टोटली चेंज किया जाएगा। ये बैक साइड से फ्लैट एंड राउंड शेप में होगा। आईफोन 15 सीरीज के प्रोस मॉडल में टाइटेनियम फ्रेम मिलेगी, जिससे ये ज्यादा ड्यूरेबल और लाइटवेट हो जाएंगे और महंगे भी। बट 15 एंड 15 प्लस में स्टेनलेस स्टील फ्रेम ही मिलेगी। पुराने आईफोन में ग्लास फिनिशिंग मिलती थी, जिससे फिंगरप्रिंट इजीली आ जाते थे, बट अब सभी मॉडल्स में मैट फिनिशिंग मिलेगी। तो डिजाइन में इतने सारे इंप्रूवमेंट्स करने से इन हैंड फील काफी हद तक बेटर हो जाएगी। एक बात और, आईफोन 15 सीरीज के आईफोन को रिपेयर करना ज्यादा इजी होगा एज कम्पेयर टू 14 सीरीज, बिकॉज ये मोर रिपेयरेबल डिजाइन के साथ आएगा। आईफोन 15 सीरीज में सेकंड सबसे बड़ा अपग्रेड हुआ है इसके कैमरा डिपार्टमेंट में। तो फाइनली नॉन प्रो मॉडल में 48 मेगापिक्सल का बड़ा सेंसर मिलेगा, और ये सेम सेंसर आईफोन 14 प्रो में मिलता है और ये सैमसंग का सेंसर है। तो मतलब सिंपल सा है, आईफोन 14 प्रो का जो सेंसर है वो आईफोन 15 में मिलेगा। साथ ही 15 सीरीज के प्रो मॉडल में सोनी का 48 मेगापिक्सल का न्यू सेंसर होगा। इसके साथ ही लाइडार सेंसर में भी अपग्रेड किया गया है। इसके कुछ बेनिफिट्स भी होंगे, लाइक लो लाइट के अंदर पोर्ट्रेट और एक्यूरेट आएगी, और लो लाइट के अंदर ऑटो फोकसिंग और ज्यादा अच्छी हो जाएगी। 3D डेप्थ स्कैनिंग परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी इन AR एप्स। और अभी और सुनिए, इस बार सिनेमेटिक मोड 4K 60fps में मिलेगा, और जो भी सिनेमेटिक मोड में कमियां थी वो सब दूर हो जाएगी। एज डिडक्शन अच्छे से इंप्रूव किया गया है इस बार। और 15 प्रो मैक्स में पेरिस्कोपिक लेंस में 5x या फिर 6x जूम मिलेगा, ये 14 प्रो मैक्स में 3x तक ही था। और ये पेरिस्कोपिक लेंस मूवेबल होगा या फिर फिक्स ये कंफर्म नहीं है, बट 80% चांस है ये फिक्स लेंस होगा, बिकॉज मूवेबल पार्ट्स जल्दी खराब हो जाते हैं। और यहां पर एप्पल आईफोन की बात हो रही है, तो एप्पल कभी नहीं चाहेगा कि फ्यूचर में ऐसी कोई प्रॉब्लम आए। आईफोन 15 सीरीज में आईफोन 14 के सिमिलर ही डिस्प्ले साइज रहेगी, डिस्प्ले की साइज में कोई चेंजेस नहीं है। आईफोन 15 एंड 15 प्रो में 6.1 इंच रहेगी, और 15 प्लस एंड 15 प्रो मैक्स में 6.7 इंच रहेगी, बट डिस्प्ले की क्वालिटी इंप्रूव करी गई है। डिस्प्ले बेजल्स बहुत थिन होगी, अगर आईफोन 15 से कंपेयर किया जाए तो डिफरेंस साफ पता चलता है, और ये अब तक की स्लिमेस्ट बेजल्स होगी स्मार्टफोन इंडस्ट्री में। इससे कम स्लिमेस्ट बेजल्स किसी स्मार्टफोन में नहीं मिलती। इससे रिलेटेड कुछ टाइम पहले आईफोन 15 सीरीज के टेम्पर्ड ग्लास की एक वीडियो भी आई थी, जैसा कि आप देख पा रहे हो। डिस्प्ले की क्वालिटी को और भी ज्यादा इनहांस करने के लिए 15 प्रो एंड 15 प्रो मैक्स में 2500 निट्स की पीक ब्राइटनेस होगी, और ये अब तक का ब्राइटेस्ट पैनल होगा किसी स्मार्टफोन के अंदर। तो इन 3 से 4 बातों के ऊपर एप्पल इवेंट के अंदर बहुत टाइम लगने वाला है। और थर्ड बड़ा चेंज है, आईफोन 15 सीरीज के सभी मॉडल्स के अंदर डायनामिक आइलैंड मिलेगा, जो कि आईफोन 14 प्रो एंड प्रो मैक्स में मिलता था। तो आईफोन 14 प्रो यूजर्स के लिए दिल से बुरा लग रहा है। और एक दुख भरी खबर एक और है, आईफोन 15 एंड 15 प्लस के अंदर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाला फीचर नहीं मिलेगा। ये फीचर सिर्फ आईफोन 15 सीरीज के प्रो मॉडल्स के लिए ही है, बिकॉज एप्पल ने अपनी लास्ट सीरीज आईफोन 14 के प्रो मॉडल्स में ये फीचर इंट्रोड्यूस किया था। तो एप्पल के लिए ये एक नया फीचर है, और इतना जल्दी ये बेस मॉडल में तो बिल्कुल नहीं आने वाला। साथ ही एक बुरी खबर और है, आईफोन 15 एंड 15 प्लस में 60Hz रिफ्रेश रेट वाला ही पैनल मिलेगा, जबकि आईफोन 15 प्रो एंड 15 प्रो मैक्स में 120Hz रिफ्रेश रेट वाला पैनल मिलेगा। तो दुख भरी खबर, 90Hz भी नसीब में नहीं है। और ये बात आपको सभी को पता होगा कि आईफोन के अंदर बैटरी कैपेसिटी रिलेटेड तो हमेशा इश्यू रहा है, आईफोन का बैटरी बैकअप इतना अच्छा नहीं है। और आईफोन 15 सीरीज के सभी मॉडल्स के अंदर डिस्प्ले की ब्राइटनेस में अपग्रेड किया गया है, तो बैटरी कंजम्पशन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तो इस बार आईफोन 15 सीरीज के सभी मॉडल्स के अंदर एक नई बैटरी, बड़ी बैटरी मिलेगी न्यू टेक्नोलॉजी के साथ। और पहले एप्पल आईफोन के अंदर 50 से 100 mAh बैटरी mAh ही एक्सटेंड करता था, बट इस बार के आईफोन के अंदर 400 mAh से लेकर 600 mAh तक की बैटरी कैपेसिटी बढ़ाएगा। एक बात और, वायरलेस चार्जिंग के टाइम आईफोन नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा गर्म हो जाता है, और ये इश्यू बहुत लोगों ने फेस किया है और कंप्लेंट भी लोगों ने करी है। तो इस बार के आईफोन में न्यू टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड बनी बैटरी ज्यादा बेटर हीट कंट्रोल करेगी, और ये एक बड़ा अपग्रेड है आईफोन 14 सीरीज से। परफॉर्मेंस के लिए प्रो मॉडल के अंदर S17 बायोनिक चिप मिलेगी, जो कि 3 नैनोमीटर पर बेस्ड है, और ये बैटरी भी कम कंज्यूम करेगी आईफोन 14 सीरीज से। और
ऑब्वियस सी बात है A17 बायोनिक चिप पावरफुल तो है ही, और साथ ही इस बार प्रो मॉडल के अंदर 8GB रैम मिलेगी स्टैंडर्ड, उससे कम नहीं मिलेगी। एंड बेस मॉडल के अंदर A16 बायोनिक चिप मिलेगी विद 6GB रैम, और स्टोरेज की बात करें तो प्रो मॉडल के अंदर 256GB स्टोरेज मिलेगा स्टैंडर्ड, और बेस मॉडल 128GB स्टोरेज से स्टार्ट होंगे। तो फाइनली अब स्टोरेज वाली प्रॉब्लम तो दूर हो चुकी है। आईफोन 15 सीरीज में आउट ऑफ द बॉक्स iOS 17 मिलेगा। इसके कुछ फीचर्स तो बहुत कमाल के हैं, लाइक ये एयरड्रॉप फीचर मुझे बहुत अच्छा लगा। फोन कॉल्स में इमेज कस्टमाइज कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट मैसेजेस को फाइंड कर सकते हैं सर्च फिल्टर से, ऐसे ही कुछ और भी फीचर्स है। नेक्स्ट बड़ा चेंज है, जब से आईफोन है तब से इसके अंदर साइलेंट बटन आ रहा है, बट फाइनली अब इस म्यूट स्विच को एक्शन बटन में चेंज किया जाएगा। ये एक्शन बटन एप्पल वॉच अल्ट्रा के अंदर भी है, और ये एक्शन बटन प्रेस नहीं होता, बट आपको एक्चुअल फील होगा कि ये प्रेस हो रहा है, और ये सब आपको हैप्टिक के थ्रू फील होगा। और इस बटन को आप कस्टमाइज भी कर सकते हो, अब इससे आप अपनी फेवरेट एप्लीकेशन को क्विक ओपन कर पाओगे और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये अब ज्यादा यूजफुल हो चुका है एज कम्पेयर टू ओल्ड बटन। इस बार अल्ट्रा वाइड बैंड चिप अपग्रेड होगी, इससे लोकेशन बेस्ड एप्लीकेशन लाइक एयरड्रॉप एंड फाइंड माई एप ज्यादा प्रिसाइज एंड एक्यूरेट हो जाएंगे। इस बार एप्पल अपने आईफोन के अंदर टाइप सी पोर्ट देगा, ये 100% कंफर्म है, बट इसके साथ एक सैड न्यूज भी है, आप अपने आईफोन को MFI सर्टिफिकेशन डाटा केबल एंड चार्जर से ही चार्ज कर पाओगे। तो अगर आपके पास कोई पुराना चार्जर या फिर डाटा केबल रखी है तो वो शायद काम ना आए, और अगर आईफोन उससे चार्ज भी होता है तो वो बहुत ज्यादा स्लो स्पीड से चार्ज होगा और डेटा ट्रांसफर स्पीड बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगी। तो आपको एप्पल की ही MFI सर्टिफिकेशन वाले डेटा केबल और चार्जर बाय करना ही पड़ेगा। प्रोस मॉडल के अंदर USB 3.2 और थंडरबोल्ट 3 पोर्ट मिलेगा, इससे अप टू 40 GBPS स्पीड तक डेटा ट्रांसफर हो सकता है। बट बेस मॉडल के अंदर USB 2.0 मिलेगा, इससे आप 480 MBPS की स्पीड से डेटा ट्रांसफर कर सकते हो ओनली। और 20,000 के स्मार्टफोन के अंदर भी USB 2.0 मिलता है। और जहां तक बात है फास्ट चार्जिंग की, तो इस बार भी एप्पल 40W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं देने वाला, इस बार भी आपको 20W तक का ही फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा, और मैक्स टू मैक्स 26W तक का मिल सकता है अगर आप 40W के चार्जर से चार्ज करते हो तो। 15 सीरीज के प्रो मॉडल के अंदर Wi-Fi 6E मिलेगा, जो कि लेटेस्ट iMac एंड iPad Pro के अंदर मिल रहा है, तो वायरलेस स्पीड और भी ज्यादा फास्ट हो जाएगी। 15 सीरीज में इस बार ओनली eSIM वाले आईफोन ज्यादा कंट्रीज में मिलेंगे, लास्ट ईयर US के अंदर ही ओनली eSIM वाले आईफोन मिलते थे, बट अब फ्रांस के अंदर भी ओनली eSIM वाले ही आईफोन होंगे, उनके अंदर फिजिकल सिम नहीं लगेगी। बट टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इंडिया के अंदर फिजिकल और ई सिम दोनों का सपोर्ट मिलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, प्राइस। तो अब बात करते हैं प्राइस के बारे में। तो इंडिया के अंदर आईफोन की प्राइस रहती है US के हिसाब से, तो आईफोन 15 की प्राइस होगी $799 और आईफोन 15 प्लस की प्राइस होने वाली है $899 और 15 प्रो की प्राइस होने वाली है $1099, लास्ट ईयर से $100 ज्यादा, और 15 प्रो मैक्स की प्राइस होने वाली है $1299, लास्ट ईयर से $200 ज्यादा। और इंडिया के हिसाब से iPhone 15 हुआ 80,000 का, iPhone 15 Plus हुआ 90,000 का, और iPhone 15 हुआ 140,000 का, और iPhone 14 Pro Max हुआ 160,000 का। तो भाई अगर आपने पूरा मन बना लिया है कि iPhone 15 सीरीज से एक iPhone बाइक करना ही है, तो मेरे हिसाब से इस टाइम पर बेस्ट होगा कि आप iPhone 15 बाइक करो। इस बार बेस मॉडल के अंदर सब कुछ अपग्रेड किया गया है, इसके अंदर iPhone 14 Pro वाला मेन कैमरा सेंसर दिया गया है, तो भाई कैमरा के अंदर भी बहुत अपग्रेड किया गया इस बार iPhone 15 के अंदर। तो iPhone 15 मुझे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी लग रहा है। और 2 मिनट साइलेंस फॉर iPhone 14 यूजर्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।